देशभर में जहां एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट बिल को लेकर पड़ोसी देशों में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले भेदभाव का मुद्दा गर्म है, इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर द्वारा पाकिस्तान में हिंदू खिलाड़ी दानिश कनेरिया के साथ किए गए धार्मिक भेदभाव का खुलासा करने से माहौल में तेज गर्मी आ गई है। शोएब अख्तर के इस चौंकाने वाले बयान के बाद में पाकिस्तान के लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने भी इस बात का खुलासा किया है कि उनके साथ ये भेदभाव होता था और वे शोएब अख्तर का धन्यवाद करते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या कुछ कहा है दानिश कनेरिया ने। शोएब भाई ने जो स्टेटमेंट दिया उसके लिए मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया मैंने, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया और एट द हाईएस्ट लेवल, और मैंने पाकिस्तान को जीत दिलाई बहुत सारे टेस्ट मैचेस में, आपने भी देखा होगा, और बहुत सारी विक्ट्रीज़ जो है हम दोनों की पार्टनरशिप से पाकिस्तान को मिली। शोएब अख्तर का स्पेल हो गया, मेरा स्पेल हो गया उससे। लेकिन जहाँ उन्होंने ये बात करी वो बात ये है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो मेरे लिए क्या सोचते थे और मेरे लिए क्या बात करते थे, वो अपना डेफिनेटली शोएब भाई के साथ ऐसी बात हुई होगी, और शोएब भाई ने आके जो है नेशनल टेलीविज़न पर आके जो बात करी है तो वो कोई बात ऐसी नहीं कह दी है, उन्होंने फील की होगी और उन्होंने देखा होगा कि इस लड़के के साथ इस तरह ट्रीट हुआ जा रहा है, तब उन्होंने ये बात करी। तो मैंने इन सब चीज़ों को उस टाइम पर इग्नोर किया और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना फोकस जो रखा वो क्रिकेट पर रखा, मैंने अपनी क्रिकेट जो है उसको फोकस रखा था, अपनी बॉलिंग को, और मैं अपनी बॉलिंग में डे बाय डे उसके अंदर और नई नई चीज़ लेके आने के लिए और उसके बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मेरा फोकस वो था कि मैं किस तरीके से जो है अपनी कंट्री को जीत दिलाऊं, अपनी बॉलिंग से किस तरह प्लेयर्स को आउट करूं, और मेरा ये फोकस था। मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया और जो मेरे लिए बातें होती थी पीठ पीछे मेरे लिए जो कहते थे शोएब भाई ने इतने साल के बाद, मैंने कभी आज तक आके ये बात नहीं की, लेकिन शोएब भाई ने ये बात करी और शोएब भाई ने ये फील किया कि इस लड़के के साथ इस तरह के ज़्यादती होती थी। तो मेरे ख्याल से शोएब भाई ने जो बात करी है तो वो बहुत बेटर पर्सन होंगे कि वो जो है उनके साथ साथ जिनकी वो बात कर रहे थे तो उनका नाम भी बताएं, ठीक है ना। और बाकी रहा जहाँ बात रही मुझे अपना, मेरी जो परफॉर्मेंस रही है उसकी वजह से मुझे सपोर्ट करते थे मेरे कैप्टन उस टाइम पर इंज़ामुल हक साहब थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे क्योंकि मैं उनको प्रूफ करके देता था ग्राउंड के अंदर। फिर उसके बाद मोहम्मद यूसुफ़ हो गए, यूनुस खान हो गए, शोएब अख्तर है, ये सब मुझे सपोर्ट करते थे क्योंकि जो मेरी परफॉर्मेंस रही है ग्राउंड के अंदर और जो मैंने जीत दिलाई पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से, जब पाकिस्तान में थी और उस टाइम से निकाला और उस टाइम पर आके विनिंग पोजीशन में लेके आया, तो ये मेरी सारी एबिलिटी थी जिसकी वजह से मुझे सपोर्ट मिलता था। मैंने हमेशा जो है पाकिस्तान को सक्सेस दिलाई अपने जो है टेस्ट कैरियर के अंदर, और यही रीज़न है कि आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी एंड आई एम अ प्राउड हिंदू, और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि मैंने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया। तो ये बातें थी जो मैं आप लोग सबसे करना भी चाह रहा था और सबसे यही बात करना चाह रहा था। और दूसरी बात ये कि जो स्टेटमेंट है या मेरी कोई बात है उसको प्लीज़ पॉलिटिकली वे से ना लिया जाए, उसको पॉलिटिकली एंगल ना दिया जाए, ठीक है ना। तो ये मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसको एक और जो चीज़ है वो ना दी जाए, उसको जो चीज़ है उस पर रहने दें।